इस वीडियो में मैं आपको फ्लोट डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा। लास्ट टाइम मैंने आपको इंटीजर के बारे में बताया था, तो ये हमने थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया था लास्ट टाइम। ये डिक्लेयर इनिशियलाइज, फिर उसको प्रिंट कराया था इस तरीके से। अच्छा, मैं एक और इंटीजर का वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर शू फॉर एग्जाम्पल, शू की वैल्यू देता हूँ 2.3। लेट्स से तो ये 2.3 पे एरर दे रहा है। एरर इसलिए दे रहा है कि ये हमने इंटीजर की डेटा टाइप से हमने इसको डिक्लेयर कराया था, लेकिन हम इसमें इनिशियलाइज जो कर रहे हैं वो हम डेसिमल फॉर्म में कर रहे हैं। तो इंटीजर्स में तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये डेसिमल वाले नहीं होते। तो इसके लिए हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करेंगे। अगर मैं फ्लोट लगाऊँ, अच्छा फ्लोट और डबल एक जैसे होते हैं दोनों की, तो डिफरेंस बताने के लिए हम यहाँ इसकी वैल्यू के साथ एफ लिखते हैं कि ये वाली जो वैल्यू ये फ्लोट की है, डबल की नहीं है। तो अब देखें एरर चला गया। अब इसको, अब इस चीज़ को प्रिंट कराता है कंसोल डॉट राइट लाइन। ये तो हमने प्रिंट करा दिया। अच्छा, कंपाइलर जो है वो लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट को चेक करता है कि कहीं एरर तो नहीं, एरर तो नहीं। तो सबसे पहले वो ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट कराएगा, उसके बाद जाके ये वाली कराएगा। वो ये नहीं देखेगा कि पहले से कौन सी लिखी हुई थी, जो पहले होगी वो वाली उसको पहले दिखाएगा और उसको रन कर। आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ शूज इक्वल्स टू 2.3, ये प्रिंट हो गया, और द वैल्यू ऑफ बर्गर इक्वल्स टू 100। इस तरीके से हम फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं सी शार्प के अंदर।